हाय एवरीवन, गुजिया बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2-3 चम्मच ऑयल डालकर उसमें 1 बाउल ऑफ रवा डालकर अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने तक भून लिया है। अब इनको एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, इसमें 2-3 चम्मच ऑयल डालकर अच्छी तरह से बाइंड कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे और रेस्ट होने के लिए रख देंगे। रवा ठंडा हो गया है, अब स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने 1 कप शुगर ऐड किया है, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है, 1 टीस्पून क्रश्ड कैडमम ऐड किया है और मावा ऐड करके अच्छी तरह से इन सबों को मिला लेंगे। डो भी रेस्ट हो चुका है, अब छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इनकी पूरियां बनाकर रख लेंगे। अब हर एक पूरी को लेकर इसके बीच में स्टफिंग डालेंगे और चारों ओर से वाटर लगाकर इनको अच्छी तरह से गुजिया का शेप दे देंगे। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप उससे यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, टिप्स के लिए आप जरूर चेक करें। अब फ्राइंग के लिए ऑयल गर्म हो गया है, अब धीरे धीरे कर इसमें 5-6 गुजिया डालकर लाइट ब्राउन होने तक इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है, ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।